दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल गल्फ जॉब बताओ में। दोस्तों गल्फ जॉब बताओ में जो हमारा अभी सीरीज चल रहा है जो गल्फ कंसल्टेंसी सीरीज, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंट कंसल्टेंसी के बारे में। तो आज भी हम बात करने जा रहे हैं कंसल्टेंसी के बारे में जो 110% जेन्युइन होगा, और ये कंसल्टेंसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त होगा। इसके लिए हम इनके जो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इमिग्रेंट, उस पर हम चेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे ये एक्टिव मोड में है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। थैंक यू सो मच। चलिए कर चुके हैं इंटरनेशनल ओवरसीज कंसल्टेंट्स। सो गाइज एक्चुअली मैं इंटरनेशनल ओवरसीज IOC देर आर टू कंसल्टेंसी, बोथ आर डिफरेंट। एंड दोस्तों आपको बता दें कि वो जो इंटरनेशनल ओवरसीज कंसल्टेंट्स जो है वो जो है IOC ग्रुप है वो, ओके ये ओवरसीज कंसल्टेंट है। तो हमेशा याद रखना दोनों का रिक्वायरमेंट आता है, बराबर आता है और अच्छा रिक्वायरमेंट आता है गाइस। और दोस्तों मैं इसका चलिए कुछ चेक करते हूँ उसके बाद और जो भी इसका है। देखो दोस्तों इंटरनेशनल ओवरसीज कंसल्टेंट इज़ वन ऑफ द इंडिया लीडिंग मैन पावर एजेंसी लोकेटेड इन चेन्नई। चेन्नई में इसका ऑफिस है, कैपिटल साउथ इंडियन स्टेट तमिलनाडु। चेन्नई सिटी इज़ वन ऑफ द इंडिया बिगेस्ट फास्टर ग्रोइंग सिटी विद द मेजर पोर्ट एंड कॉल द गेटवे ऑफ द साउथ इंडिया। चेन्नई इज ऑल्सो होम ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पावर पेट्रोकेमिकल सॉफ्टवेयर टेलीकॉम होटल्स हेल्थ केयर ऑटोमोबाइल एंड अदर इंडस्ट्रीज। तो गाइज ये तो है इनका प्रोजेक्ट केस स्टडी में क्या है, मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी शट डाउन प्रोजेक्ट, मीना अब्दुल्ला कुवैत का। दिस इज मेजर प्रोजेक्ट फॉर 4 months शट डाउन ऑपरेशन, 2500 कैंडिडेट वी आर रिक्रूट द वेरियस कैटेगरीज। ओ माई गॉड द इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस वॉज द कम्प्लीट 35 days, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस वॉज द कैरीड ऑन 6 cities। तो गाइस देखो 6 city में इन्होंने रिक्रूटमेंट किया और 2500 आदमी का रिक्रूटमेंट किया था। तो दोस्तों ये मेजर प्रोजेक्ट्स है, केस स्टडी है, तो उसको हटा देते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ देखते हैं 25 साल से ये लोग सर्विंग कर रहे हैं, वी हैव बीन सर्विंग द क्लाइंट वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल वेरियस द फील्ड ओवर द 25 years। तो 25 साल से ये काम इस फील्ड में कर रहे हैं। ओके दोस्तों चलिए देखते हैं इनका जो जॉब्स न्यू हायरिंग है, तो इसको अब हम सेट करते हैं। प्रोसेस इंजीनियर हायरिंग वगैरह PIC पर कंट्री हायरिंग प्रोफेशनल ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो ये इनका हायरिंग चल रहा है, प्रोसेस मेंटेनिंग स्टेशनरी रोटरी केमिकल इंजीनियर मेटेरियल इंजीनियर फायर कंट्रोल कंप्यूटर फील्ड ऑपरेटर रिफाइनरी इंजीनियर रोटरी इक्विपमेंट्स। तो गाइस इसको हम साइड करते हैं अभी। सबसे पहले हम इनका देखते हैं कि कंपनी प्रोफाइल हो गया, होम हो गया, सर्विस क्या चाहिए। ओके सर्विस के बाद हम देखेंगे पार्टनर, उसके बाद देखेंगे प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो दोस्तों चलिए अभी हम इसका देख रहे हैं सर्विस में। तो रिक्रूटमेंट जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सर्विस है, फर्टिलाइजर है, पेट्रो के पावर शट डाउन, इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिविल कंस्ट्रक्शन मैकेनिकल वर्कशॉप, इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वर्कशॉप, ऑटोमोबाइल हैवी इक्विपमेंट कैलिब्रेशन लैब्स लेबोरेटरीज, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री लॉजिस्टिक ग्रैंड ट्रांसपोर्ट कैटरिंग कंपनीज, कैटरिंग कंपनी हॉस्पिटैलिटी होटल्स रेस्टोरेंट एंड द क्लीनिंग कंपनीज। तो गाइज दीज आर कंपनीज आर रिक्रूटिंग फॉर दिस एजेंसी फॉर डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। ओके दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं इसका जो पार्टनर है उस पर, मतलब कंपनी कौन से इनके रिक्रूट कंपनीज के लिए ये काम करते हैं। तो दोस्तों जनरली इन्होंने दो कुवैत के लिए एजाज एस्टेब्लिश फॉर जनरल ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग एस्टेब्लिशमेंट फॉर जनरल ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी सलेमिया कुवैत। ओके और दूसरा इंडिया दुबई के लिए करते हैं इंटरनेशनल ओवरसीज कंसल्टेंट, ऑफिस नंबर इनका जो है मतलब एजाज जो है इनका पार्टनर ऑफिस है। ओके जो एजाज वहाँ से इनको मतलब रिक्रूटमेंट उनको पास आता है और वो जो है इनको देता है। उसके बाद दुबई वाला जो है इंटरनेशनल ओवरसीज कंसल्टेंट ऑफिस नंबर, तो इनका इंटरनेशनल ओवरसीज का कंसल्टेंट दुबई में खुद का ऑफिस इन्होंने डाला है। तो खैर इसको हम साइड करते हैं दोस्तों, हम देख चुके हैं। और जो क्लाइंट है वो देखिए दोस्तों किस तरह का क्लाइंट है इनके पास, खराफी नेशनल IMS कुवैत नेशनल पेट्रोलियम KNPC कॉरपोरेशन कुवैत पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी एंड जोंग ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो इस तरह की कंपनी इनके पास है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्लाइंट है इनके पास भी। दोस्तों रेफरेंस हम चेक करते हैं क्या है इसका, अप्लाई ऑनलाइन, तो अप्लाई ऑनलाइन में हम क्या देखें क्योंकि हमको अभी अप्लाई तो करना नहीं है। आप अगर अप्लाई करना है तो देखिए एजाज जनरल ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश IOC स्क्रीनिंग प्रोसेस फॉर द सेलेक्टिंग द मोस्ट रिसेंट कैंडिडेट एंड द मोबिलाइजिंग टर्म द प्रोजेक्ट साइट पर हैज बीन एग्जाम्पल्स ऑफ द बीन एक GSS लिमिटेड है पेट्रोकेम इंडस्ट्री कंपनी, उसके बाद RBI इंटरटेक
अरबी इंटरटेक, ये सब कंपनी है इनके पास। ओके, इन लोगों के लिए काम करते हैं और ज़्यादा कंपनीज नहीं है बट अच्छी कंपनी है जो भी है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों चलिए आईओसी हो गया हमारा, और इसका ध्यान से इसका लोगो चेक करना दोस्तों, लोगो दोनों में डिफरेंट है। ओके, ये लोगो एक बार आप देख लो और एक वो लोगो एक बार देख लेना। ओके तो दोस्तों चलिए देखिए, इसका लोगो एक बार देख लीजिए और आप उनका भी लोगो देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, आपको बता दें कि काफ़ी अच्छी ऑफिस है, आप काम करवा सकते हैं। रिक्वायरमेंट में कई बार लेट हो सकता है गाइज, लेकिन जिन्हें अब हम इनको एक बार इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मैं चेक करूंगा, और उसके बाद मैं इनका भी चेक करता हूं कि ऑफिस का एड्रेस वगैरह क्या है। ओके तो अबाउट अस में चलते हैं हम लोग। ओके अबाउट अस में तो नहीं है, होम में चलते हैं, देखते हैं। कॉन्टैक्ट अस तो इनका कहीं पर है ही, हाँ मिला, तो कॉन्टैक्ट अस में चलते हैं दोस्तों। ओके कॉन्टैक्ट अस में देखिए, इंटरनेशनल ओवरसीज कंसल्टेंट जो चेन्नई में इसका अभी एंट्रेंस ग्राउंड फ्लोर G1 प्लॉट नंबर 22 गंगा अमन कवली 4th street वादापलानी चेन्नई तमिलनाडु वादापलानी। ओके फोन नंबर 0442488446। तो गाइज ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है, अब यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मैं तरीका बता दिया, आप मेल डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके तो गाइज चलते हैं आरए लिस्ट में। ओके तो गाइज आप देख सकते हैं 1301 आरए नंबर 339 इंटरनेशनल ओवरसीज कंसल्टेंट्स ऑथराइज सिग्नेचर टी बालन तमिलनाडु चेन्नई। ओके अभी आनी ट्रैक प्लेट नंबर फ्लैट नंबर जी फ्लोर 1 प्लॉट नंबर 22 गंगाई अमन कोयल 6th street वाडापलानी चेन्नई इंडिया 600026 @ madrasioc.com 0442484688। तो गाइज आप देख सकते हैं ये रजिस्टर है और एक्टिव मोड में इनका ioc madras.com के नाम से इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, चेक कर सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस नंबर और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं आपको बता दिया हूँ, अब चेक कर लेना 0441 मद्रास PR 1000+3 3984। ओके इसका नंबर है, तो दोस्तों एक बार मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके ओके चलिए, तो अब ये देख सकते हैं देखिए दोस्तों ये जो है, देखिए आप ये जो है इसका लिस्ट में एक्टिव मोड में, देखिए मैं अभी फिर से दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये इसका एक्टिव मोड में दिखा रहा है, देखिए। ओके तो दोस्तों चलिए अब आपको बता देते हैं कि ये ऑफिस जेन्यून है, और जेन्यून के बाद कई बार चार्जेस मिनिमम होता है अगर फ्री रिक्वायरमेंट होता है, अदरवाइज ये चार्ज अप्लाई करते हैं, तो एक सफिशेंट चार्जेस होता है इन लोगों का, तकरीबन 40,000 के अराउंड में होता है, और इसमें इंक्लूडिंग नहीं है, एक्सक्लूडिंग है मेडिकल्स। ओके कई बार इससे कम भी होता है, कई बार इससे कम भी होता है, 30-35 के आसपास भी होता है। ओके अगर कोई एजेंट है तो वो आपसे चार्जेस ज़्यादा करेगा, ये आप याद रखना हमेशा। ओके दोस्तों दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, और दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये 110% जेन्युइन कंसिस्टेंसी है, और दोस्तों जो भी कंसिस्टेंसी अगर अप्रूव्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो वो फेक काम नहीं करेगा, ठीक है। कई बार लेट हो सकता है इनका काम वीज़ा मंगवाने में, वीज़ा इशू होने में, लेकिन फेक काम नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो भी कंसिस्टेंसी अभी हमने बताया आपको दोस्तों, ये इमिग्रेंट ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे है, और दूसरा इनका टोटल एड्रेस है, सब कुछ है, तो ये जेन्युइन है। ओके और दोस्तों अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मेरा और वीडियो देखने के लिए जैसे मेरा जो PTW का, और उसके बाद आपको जो हमारा असाइनमेंट अब्रॉड्स का सीरीज है वो इसी तरह आता रहेगा और आ रहा है, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। ओके लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट द वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।